नमस्ते, बीएड प्रथम वर्ष आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत आज का जो अपना जो टॉपिक है उसमें खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जून 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। क्या हुआ? जून 1920 में और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। और इसमें जो स्कूलों, कॉलेज तथा जो न्यायालय का जो बहिष्कार करने का जो निर्णय लिया गया था तथा गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया, किसको सौंपा गया? महात्मा गांधी। गांधी जी, इनको जो गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया, नेतृत्व आंदोलन का, है ना। और इसी के साथ में जो बताया गया है 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने जो औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन घोषणा कर दी थी। कब की थी? 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। कब की थी? घोषणा की थी, है ना, 31 अगस्त 1920 को। खिलाफत जो आंदोलन, यानी कि खिलाफत जो आंदोलन पंजाब में अत्याचारों के कारण जनता का जो रोष अंग्रेजों के जो विरुद्ध उग्र रूप धारण कर चुका था, और इस इधर जो युद्ध के बाद ब्रिटेन ने जो फ्रांस के साथ तुर्की के जो सुल्तान के ऐसे ही प्रदेशों को आपस में बांट दिया, जिससे वह नाम मात्र का सुल्तान रह गया। और खिलाफत आंदोलन के पीछे सरकार के जो प्रति विद्रोह की भावना थी, और जिसके अनुसार विधान जो परिषदों, सरकारी अदालतों, कॉलेजों और जो स्कूलों, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और जो विदेशी माल का जो बहिष्कार करना तथा सरकारी जो पदविधियों एवं सम्मान पत्रों को, इसी के साथ में जो बताया गया है उसमें त्याग करना था। और सरकार ने जो तेजी से बढ़ते आंदोलन के दबाने के लिए अपना दमन चक्र चालू किया, और मारपीट, लाठीचार्ज, गोलियां की जो वर्षा रोजमर्रा की घटनाएं हो गई। और अब ये नेताओं की जो धर पकड़ प्रारंभ हुई, और इस वर्ष भीतर लगभग 30,000 लोग, कितने? 30,000 लोग जेलों से भेजे गए। कहां से भेजे गए? जेलों से। और ऐसा लगता है कि स्वराज्य की जो प्राप्ति अब दूर नहीं है। खिलाफत आंदोलन द्वारा जो स्वराज्य की प्राप्ति हो ना हो सकी, किंतु इससे जो स्वराज्य के लिए संघर्ष का जो संदेश देश के कोने कोने में फैल गया, और
लोगों के हृदय में पुलिस, न्यायालय एवं जेल आदि का भरपूर हो गया, भय दूर हो गया। और साथ ही गांधी जी की जो उच्च चरित्र, सत्य, अहिंसा की भावना ने लोगों में स्वतंत्र संग्राम के लिए आवश्यक नैतिक शक्ति विकसित की। फिर असहयोग आंदोलन, अब असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जो बताया गया है उसमें यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा जो बहिष्कार के लिए किया गया, और इसके लिए जो विधान परिषदों, सरकारी आंदोलनों और स्कूल, कॉलेज, स्थाई स्वशासन और जो विदेशी सामान का बहिष्कार करने का निर्णय किया गया। और आंदोलन का जो सूत्रपात गांधी जी के ने जो सरकार से प्राप्त पदक केसर एम हिंद वापस कर दिया, केसर ए हिंद वापस कर दिया, तो इससे जो प्रेरित होकर कई लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी एवं वकीलों ने जो वकालत छोड़ दी और विदेशी वस्त्रों की जो होली जलाई गई। और इसी आंदोलन के समय चोरी चोरी कांड के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिए और असहयोग आंदोलन से परिणाम निकला कि जनता में स्वतंत्रता की भावना और तेजी हो गई। तो 5 फरवरी सन 1992 असहयोग आंदोलन के वापस ले लिया है ना। तो यह अपन ने जो जिस आज अपन ने जो जिला पटना असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन किया है, आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।